नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं गुड सेट 2019 के एक और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। सो राइट नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वेक्टर एलजेब्रा का क्वेश्चन, और हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हैं एक्स एंड वाई, दोनों का डायरेक्शन दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है, और टारगेट है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स प्लस टू वाई। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपके पास वो वेक्टर पहले होना ज़रूरी है। तो अभी अगर हम बात करें, हमें चाहिए x प्लस टू वाई, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। तो x प्लस टू वाई तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास वेक्टर x एंड वेक्टर y है। तो सवाल ये है कि क्या हमारे पास वेक्टर x एंड y है? तो आंसर ये है कि नहीं, हमारे पास वेक्टर x के लिए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली जो वेक्टर y है उसके लिए भी डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। तो सोचिए, अगर कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको पता है तो वो वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हो सकता है आपने ऐसा कभी ना किया हो कि वेक्टर x जो है ना उसका मतलब क्या होता है, जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में वो इनटू उसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि हम जनरली ये जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको वेक्टर चाहिए तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो अभी मैग्नीट्यूड हमारे पास है वेक्टर एक्स का और वो है 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। वेक्टर एक्स का डायरेक्शन भी है लेकिन हमें तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो वो होगा 2 - 2 - 1, मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इट्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड 4 + 4 + 1, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये होगा 4 + 4 = 8 + 1 = 9, और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, और 2 अंदर मल्टीप्लाई होके 4 - 4 = 2। तो ये आपको मिल गया वेक्टर एक्स। सेम प्रोसेस से हम वेक्टर वाई भी फाइंड कर लेंगे। तो वो होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वाई इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। सो वाई का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे दिया है √3, और अगर आपको वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा उसका डायरेक्शन, वाई का डायरेक्शन डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर वाई का वो हो जाएगा √3, वो √3 ये √3 के साथ कट हो जाएगा, और 1 - 1 - 1, यही आपका वेक्टर y होने वाला है। क्लियर? अब हमारा काम है कि हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस 2 वेक्टर y। तो ये तो बहुत इजी होता है, पहले आप वेक्टर x रख दीजिए 4 - 4 = 2 प्लस 2 टाइम्स वेक्टर y। तो वेक्टर y अगर ऐसा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 2 - 2 - 2, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब फाइनली अगर हम देखें तो वेक्टर बन चुका है 4 + 2 = 6 - 4 + 2 - 2 and 2 - 2 = 0, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा 36 + 4 + 0, और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 40, और स्क्वायर रूट ऑफ 40 अगर आप देखें ध्यान से तो 10 × 4 = 14 होता है, 4 बार आके हो जाएगा √2 - 2√10। और अगर आपके पास ऑप्शन में आप देखें तो ऑप्शन डी में आपको दिया है √10। क्लियर? तो ऐसे बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं x प्लस टू वाई का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से नीचे का जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी था, ये पूरे क्वेश्चन में अगर सीखने लायक कोई बात थी तो वो ये कि अगर किसी वेक्टर के लिए उसका डायरेक्शन हमें दिया है और मैग्नीट्यूड दिया है तो वेक्टर कैसे फाइंड करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, जनरली हमारे माइंड में ये आ सकता है कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको वेक्टर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें किसी भी वेक्टर को फाइंड करने के लिए
उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। रीज़न क्या है कि यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड वन होगा, उसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके उसका जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड 6 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर ना रख के ये डायरेक्शन ही रख दिया होता तो इसका मैग्नीट्यूड तो जैसा आपने देखा 3 था, 2 - 2 - 1। अगर वही वेक्टर आपने यहाँ पे रख दिया है तो 6 आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 उसका खुद का मैग्नीट्यूड है तो 6 × 3 = 18, जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड 18 हो जाएगा। लेकिन हमें तो एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है अगर आप समझ सके हैं तो। क्लियर। तो अभी आपको ऐसे गुड सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को यहाँ पे मिलेंगे, और भी चैप्टर्स के और भी टॉपिक्स के। और अगर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली किसी भी चैप्टर के लिए जो प्रीवियस ईयर गुड सेट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर।